गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा आज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें तारीखों का ऐलान होने वाला है। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। कहा जा रहा है कि इस बार गुजरात चुनाव दो चरणों में संपन्न कराया जा सकता है। वहीं पिछले बार भी ऐसे ही चुनाव कराया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो 2 दिसंबर को पहला चरण और 5 या 6 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान हो सकता है। इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी गुजरात में 27 सालों से सत्ता में बैठी है, जबकि इस बार आम आदमी पार्टी उसे कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला पिछले दिनों लिया है। केंद्र ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय इन शरणार्थियों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता देने का फैसला बहुत महत्व रखता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।